Welcome in my class. Our today's chapter is weather, climate and adaptation of animals to climate. ठीक है, क्लाइमेट के लिए इन एनिमल्स का जो वेदर है अडेप्टेशन है, ठीक है, और क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट के लिए एनिमल्स का क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है, फिर अपन देखेंगे अडेप्टेशन मतलब किस टाइप के क्लाइमेट में ये किस टाइप से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो ये अपना चैप्टर है एंड वी ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर, ठीक है। तो अपन ने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आप कहीं मतलब किसी न्यू प्लेस पे आप विजिट करने के लिए जा रहे हो, लाइक वो प्लेस आपने कभी भी नहीं देखा है पहले, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्लेस पे विजिट करने के लिए या फिर मतलब घूमने के लिए, ठीक है, तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट है वो ऐसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होगा, हॉट होगा, ड्राई होगा, ठीक है, तो इस टाइप से आपको एडवाइस किया जाता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आपने सुना होगा एक जो वर्ड है अपने पास में वेदर, वेदर, ठीक है, तो ये जो वर्ड है वेदर, ठीक है, यही क्या होता है वहाँ का मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ की, वो ही क्या होती है उसका वेदर होता है, लाइक ड्राई एंड हॉट, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हॉट एंड हमिड, ठीक है, तो इस टाइप से क्या होती है जो क्लाइमेट होती है उसके लिए डिफरेंट टाइप की जो टर्म्स है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि जो अपने पास में एनिमल्स हैं उनकी मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके जो अडेप्टेशंस हैं मतलब कैसे वो अपनी बॉडी को अडेप्ट कर पाते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन उस पर डिस्कस करेंगे। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर। सो आर टुडेज चैप्टर टुडेज टॉपिक इज वेदर, ठीक है। सो नाउ अपनी जो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, ओनली अर्थ ही ऐसा प्लेनेट नहीं है जो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, सन को इवॉल्व रिवॉल्यूशन मतलब हो रहा है इसमें, ठीक है, सन के चारों ओर सिर्फ अर्थ ही चक्कर नहीं लगा रहा है, अपार्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, अदर एट प्लेनेट हैं जो क्या करते हैं सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, बट फिर भी ओनली अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे प्लांट एंड एनिमल्स है वो ग्रो करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स जीवित रह सकते हैं, ठीक है, ओनली अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है, ठीक है, बट ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी मतलब इसके कुछ स्पेशलिटी है, अर्थ की कुछ स्पेशलिटीज हैं, ठीक है, उसकी वजह से होता है, ठीक है, और वो स्पेशलिटीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो इसके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, जो डिस्टेंस है अर्थ का, ठीक है, इट मीन्स डिफरेंट टाइप के जो प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे है सन से, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें अर्थ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अर्थ का जो डिस्टेंस है किससे सन से, इस टाइप से वो चारों ओर इसके चक्कर लगाती है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या करता है, यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर जितना टेम्परेचर की नीड होती है इन प्लांट्स को और एनिमल्स को, ये उतना ही टेम्परेचर वहाँ पे ये इसको गेन कर पाता है, ठीक है, इट मीन्स डिस्टेंस की वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं आता इसके पास और कम टेम्परेचर भी नहीं आता, तो सबसे पहले तो अपने पास क्या हो गया डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में क्या हो गया, जो वॉटर है, ठीक है, वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनी हुई है इस टाइप से, किस पे, अर्थ के चारों ओर ये पूरी सराउंडिंग है, ठीक है, अर्थ के चारों ओर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की क्या एक लेयर बनी हुई है, वाटर वेपर की, ठीक है, वाटर लिक्विड नहीं है यहाँ पे, वाटर वेपर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ये लेयर बनी हुई है, ठीक है, और ये जो लेयर है ये क्या करती है टेम्परेचर को मेंटेन करती है। टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो गया, जैसे अगर ये टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, अर्थ के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, तब तो क्या करेगा ये मतलब जो भी एनिमल्स एंड जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो बर्न हो जाएंगे, ठीक है, और अगर कम टेम्परेचर होगा तो ये फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है अगर ये टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करे तो अपनी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो सकता है। ये हो गया अपना सेकंड फैक्टर जो क्या करता है इसमें
लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ के ऊपर. ओके देन नेक्स्ट वी हैव इज थर्ड अपना क्या हो गया. देखो एक तो जो टेम्परेचर है वो डिस्टेंस से मेंटेन हो जाता है और वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है वो भी क्या करती है टेम्परेचर को मेंटेन करती है. इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास में क्या है ओजोन लेयर. ठीक है ये जो लेयर है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ये तो बनी हुई है. इसके अलावा अर्थ के चारों ओर ओजोन लेयर जो है वो इस टाइप से ये अपनी क्या हो गई अर्थ इस टाइप से ये जो लेयर है वो इसके ऊपर बनी हुई है. ठीक है तो ये लेयर क्या करती है सन से आने वाली जो भी हार्मफुल रेज होती है उन हार्मफुल रेज को ये क्या करती है वहीं पे स्टॉप कर देती है. यहीं से ये रेज जो है वापस लौट जाती है. ये हार्मफुल रेज जो है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाती. ठीक है अब नहीं पहुँच पाती. ठीक है इस वजह से ये सेफ रहती है. लेकिन अगर ये रेज अर्थ तक पहुंच जाती है तो जो भी एनिमल्स हैं अपने और जो प्लांट है वो क्या हो जाएंगे दे विल डाई. ठीक है तो ये थ्री फैक्टर्स हो गए. ठीक है अगर ये हार्मफुल रेज अगर अर्थ तक पहुंच जाती है तो ये क्या हो जाएंगे डाई हो जाएंगे. ठीक है तो ये जो थ्री फैक्टर्स अपन ने देखे ये क्या करते हैं लाइफ को सपोर्ट करते हैं अर्थ के ऊपर. ठीक है तो ये तो अपनी बात हो गई जो यहाँ का वेदर है वो कैसा है. इस टाइप का ये जो वेदर है वो क्या करता है इस अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करता है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज अपने चारों ओर जो मतलब अर्थ है. अपने चारों ओर का मीन क्या हो गया अर्थ. अर्थ के चारों ओर एक फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब चारों ओर अपने पास में क्या है एनवायरमेंट बना हुआ है. फिजिकल एनवायरमेंट बना हुआ है. ठीक है और ये जो फिजिकल एनवायरमेंट है ठीक है इट मींस जो लिविंग एंड नॉन लिविंग से मिलके बना हुआ है. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके बारे में आप अपनी लास्ट क्लास इट मींस सिक्स क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं कि लिविंग बींग्स क्या होती है नॉन लिविंग बींग्स जो है वो क्या होती है. ठीक है तो ये क्या बना हुआ है अर्थ के चारों ओर फिजिकल एनवायरमेंट बना हुआ है. फिजिकल इन्वायरमेंट ठीक है फिजिकल इन्वायरमेंट बना हुआ है. ठीक है और ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये वही इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं वी लिव इन इट. ठीक है और ये जो फिजिकल इन्वायरमेंट है इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इसमें प्रेजेंट हैं. नॉन लिविंग थिंग्स इसमें क्या है प्रेजेंट है. इन्हीं से मिलके ये क्या बना है फिजिकल इन्वायरमेंट बनाए. ओके नाउ इसमें मतलब लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल आप इसमें बोल सकते हो क्योंकि इन्हीं से मिलके क्या बना फिजिकल इन्वायरमेंट बना है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है और जो वेदर है वो भी इसी का एक टर्म है. वेदर जो है वो भी इसी इन्वायरमेंट का एक क्या है टर्म है. ठीक है कैसे आप इसको बोल सकते हो कॉमनली मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज होता रहता है जैसे आपने देखा कि आज का जो वेदर है उसमें मतलब लाइट बहुत ज़्यादा है या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब धूप बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स हॉट है आज का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है हॉट है अपना इन्वायरमेंट या फिर क्लाइमेट. और आप थोड़ी देर बाद में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा मतलब हो सकता है क्लाउडी वेदर हो जाए क्लाउड हो जाए या फिर काफ़ी देर बाद में आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारी रेन हो जाए. तो इस टाइप से ये क्या होता है क्लाइमेट होता है. ठीक है और इसी के लिए अपन क्या तो यूज़ करते हैं जो टर्म है अपनी वेदर वो यूज़ करते हैं. ओके सो नाउ अभी अपन स्टडी करेंगे वेदर के बारे में अच्छे से अपन स्टडी करेंगे. ठीक है तो जो वेदर है वो होता क्या है. ठीक है आपने देखा होगा कि मतलब डिफरेंट टाइप के प्लेसेस होते हैं डिफरेंट टाइप के सिटीज़ डिफरेंट टाइप के विलेजेस होते हैं और ये जो विलेजेस होते हैं या फिर सिटीज़ बोल सकते हो टेम्परेचर मतलब यहाँ सब का जो टेम्परेचर होता है इनका डिफरेंट डिफरेंट होता है. ठीक है मोस्टली स्पेशली आप मतलब रोज़ सुनते हो कि आज वहाँ का टेम्परेचर 53 डिग्री है 47 डिग्री है 50 डिग्री है तो इस टाइप से आपने सुना होगा या फिर कहीं का टेम्परेचर 46 है कहीं का 37 है तो इस टाइप से आप टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट टाइप का सुनते होंगे. स्पेशली जब आप न्यूज़पेपर या फिर टीवी में आप देखते होंगे किसके बारे में वेदर के बारे में न्यूज़ देखते होंगे. ठीक है तो आप इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती होगी. ठीक है ओके नाउ जो वेदर है वो एक ऐसी टर्म है मतलब ये ऐसा क्लाइमेट है
ठीक है, जिसके बारे में अपन कुछ भी हमेशा हमेशा इसके बारे में कुछ राइट नहीं हो सकता। जैसे आज अपन ने देखा मॉर्निंग में जो डे है अपना बहुत ज़्यादा शाइनी है, शाइनी इट मीन्स सनलाइट है वो अच्छे से आ रही है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे आफ्टर 1 or 2 hours क्या हो जाएंगे, क्लाउडी वेदर बन जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लाउडी वेदर बन जाएगा, और हो सकता है कि उसके कुछ देर बाद में बहुत अच्छी वाली बारिश आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो अपना इन्वायरमेंट है या फिर जो अपना क्लाइमेट है, जो अपना वेदर है, उसके बारे में अपन मतलब जो भी बोलते हैं अपन सिर्फ इसके लिए एक आइडिया लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें जो बोलते हैं अपन वो हमेशा ट्रू नहीं होता है, मतलब फिक्स इसका कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि आप मतलब आपने सुना होगा जो वेदर है, मौसम है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, ये कैसे भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसका कोई भी मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपनी टर्म क्या हो गई, वेदर, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ इन इस टाइप के ये जो अपना जो वेदर होता है वो क्या होता है, मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसी को अपन क्या कहेंगे, वेदर फोरकास्टिंग, ओके। एंड देन अबाउट वेदर फोरकास्टिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।